महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए महिला संगठनों की ओर से राजधानी में वुमन मार्च फॉर चेंज यात्रा निकाली गई, जो शहीद स्मारक पुलिस आयुक्तालय से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पहुंची। इस दौरान बड़ी तादाद में विभिन्न संगठन से जुड़ी महिलाएं हाथ में तख्तियां लिए शामिल हुई। आयोजक निशा सिंधु ने बताया कि मार्च का उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर लक्षित हमलों के खिलाफ असंतोष की आवाज को एकजुट करना है। ये रैली आज पूरे भारत के अंदर चल रही है, देश में बदलाव के लिए, क्योंकि जिस तरह का पिछले 5 साल में हाल कर रखा है, हम सब औरतें बहुत परेशान हैं। हमारी आज़ादी, हमारी जिंदा दिली, हमारे साथ भूखमरी, गरीब भी, लाचारी के साथ हम लोग जी रहे हैं। इसीलिए हम लोग बदलाव के लिए, वोट के लिए और औरतों के साथ जुल्म जो हो रहा है उसके खिलाफ ये मार्च पूरे देश में निकाल रहे हैं। राजस्थान में आज 40 से अधिक जगह पर ये मार्च निकाला जा रहा है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।